दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ये समय प्राइम टाइम का है। प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही विपक्ष के नेता हों, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देश के अंदर प्रदेश के अंदर उनको मान्यता मिली हो, लेकिन विधानसभा सचिवालय ने आज तक उनको विपक्ष का नेता नहीं माना। खबर में बताएंगे आपसे विस्तार को आखिर ऐसा क्यों है। इसके साथ साथ आपसे चर्चा करेंगे उस खबर की, यानी कि गब्बर की, जो इस समय लक्ष्मी जी से भी नाराज हैं। कैसे नाराज हैं बताएंगे आपको वो भी। इसके साथ साथ चर्चा करेंगे देश और प्रदेश की कुछ राजनीतिक खबरों की, और उस खबर के बारे में भी बात करेंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले उन खबरों पर नजर डालते हैं जो आज दिन भर की सुर्खियों में है। बिहार के जमुई में बालू रेती से भरे ट्रैक्टर ने पेट्रोलिंग पर गश्त के दौरान दरोगा को रौंदा, दरोगा की मौके पर ही मौत। दूसरी खबर में अगर हम चलें तो राहुल के एक्सरे वाले बयान पर अखिलेश का तंज, पूछा सत्ता में रहते क्यों नहीं कराई जनगणना। महाराष्ट्र थिएटर में पटाखा फोड़ने के मामले में पुलिस का एक्शन, चार लोग लिए गए हिरासत में। तमिलनाडु में भारी बारिश का कहर, कई जिले जलमग्न, 6 जिलों में स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियां घोषित। IDF का दावा, हमास ने बच्चों के अस्पताल में छुपाए थे गोला बारूद, वीडियो जारी कर दिए हैं इस बात के सबूत। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, कहा हमास के खात्मे तक जारी रहेगा युद्ध। तो चलिए अब बात करते हैं उन खबरों पर जो हमारे प्राइम टाइम का हिस्सा है। सबसे पहले उस खबर के बारे में बात करें जो प्रशासनिक स्तर पर बहुत चर्चा का विषय है। हरियाणा की जो मौजूदा विधानसभा है, यानी कि जो विधानसभा जो चल रही है आजकल, जिसमें मनोहर लाल दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, उसको बने हुए, उसका गठन हुए पूरे 4 साल हो चुके हैं। 4 नवंबर को, यानी कि 4 नवंबर 2019 को वर्तमान विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया था। उसमें कार्यवाहक स्पीकर डॉक्टर रघुवीर कादियान ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई थी। उसके बाद भाजपा के ज्ञानचंद गुप्ता बन गए थे सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष। उसी दिन विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता देने की सदन में घोषणा की थी। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर कौन सी बात हुई, जब घोषणा हो गई तो फिर आखिर कैसे वो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता नहीं है। बात यूं है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हेमंत कुमार। उनके मुताबिक 4 साल पूरे हो जाने के बाद भी ना तो विधानसभा सचिवालय ने और ना ही प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने सदन में मौजूद 30 सदस्यीय कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता मिलने संबंधी सार्वजनिक नोटिफिकेशन जारी किया। यानी कि प्रदेश सरकार के शासकीय गजट में ये प्रकाशित ही नहीं किया गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं। मौजूदा नियम के मुताबिक ये बहुत जरूरी है। हालांकि 4 नवंबर 2019 को विधानसभा के सचिव द्वारा प्रदेश के मुख्य सचिव को एक खत भेजकर हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पदांकन होने की जानकारी दे दी गई थी। इसमें हुड्डा को प्रासंगिक अधिनियम और नियमों के अंतर्गत मिलने वाली सभी सुविधाएं देने का जिक्र भी किया गया था। लेकिन जो वकील साहब है हेमंत जी, उन्होंने पिछले 1.5 साल से, यानी कि मई 2022 में, इस संबंध में हरियाणा के राज्यपाल, सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री, प्रदेश के मुख्य सचिव, विधानसभा के सचिव, इन सबको लगातार अभिवेदन किया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल विधानसभा सचिवालय से RTI के जरिए जो जानकारी मिली थी, उसमें हरियाणा विधानसभा में अलग अलग समय पर 1 दर्जन से ज़्यादा नेता रह चुके जो प्रतिपक्ष नेता हैं, उनको तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षों द्वारा उक्त पद पर मान्यता देने संबंधी गजट नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया गया। एडवोकेट हेमंत के मुताबिक हरियाणा में पंजाब की तर्ज पर नेता प्रतिपक्ष हेतु विशेष कानून तो नहीं है, लेकिन हरियाणा विधानसभा अधिनियम 1975 की धारा 2D में सदन के नेता प्रतिपक्ष को परिभाषित किया गया है, जिसका मतलब है कि सदन का वह सदस्य जिसे इस पद हेतु स्पीकर द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो। यही नहीं, उक्त यानी कि जो 1975 के कानून की धारा 4 में सदन में नेता प्रतिपक्ष के वेतन, भत्तों और दूसरी सुविधाओं के लिए भी विशेष उल्लेख किया गया है। इस पद पर बैठने वाले पदाधिकारी का दर्जा जो है वो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है।
यानी कि हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद जो है एक वैधानिक पद है। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्तों आदि पर इनकम टैक्स का भुगतान भी प्रदेश के सरकारी खजाने से किया जाता है। लेकिन हुड्डा साहब के बारे में या जब पूर्व में नेता विपक्ष रहे उनके बारे में जो सचिवालय है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। तो ये वो प्रशासनिक खबर है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों उन नेता को जिन्हें कि सदन के अंदर प्रतिपक्ष का नेता चुना जाता है उसका गजट नोटिफिकेशन करने में परेशानी कहाँ है। ये बहुत काम की खबर है और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो बात हुई प्रशासनिक खबर, अब बात करते हैं आपसे हरियाणा की सियासत की। सबसे पहले शुरू करते हैं गब्बर से, गब्बर शोले वाले नहीं, गब्बर हरियाणा सरकार के गब्बर अनिल विज। उन्होंने दीपावली पर प्रभु राम की मूर्ति ना खरीदने को लेकर विवादित बयान दिया, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया, उसके बाद से सियासी बाजार गर्म है। अनिल विज के बयान पर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने सवाल खड़ा किया है। अनिल विज ने पोस्ट में लिखा था, जो एक्स पर पोस्ट की थी, लिखा था कि एक बात समझ नहीं आती है कि लोग दिवाली तो मनाते हैं श्री राम जी के 14 साल के बाद अयोध्या वापस लौट आने के मारे खुशी में, लेकिन पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की। इसके साथ उन्होंने राम जी की मूर्ति ना बिकने को लेकर भी लिखा कि बाजार में लक्ष्मी जी की प्रतिमा तो हर दुकान पर मिल रही है लेकिन राम जी की प्रतिमा किसी किसी दुकान पर है। उन्होंने लिखा कि प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है, अगर प्रभु राम खुश हो गए तो फिर सब कुछ खुश हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो उनकी इस पोस्ट पर हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने पलटवार किया है। वो कह रहे हैं कि विज साहब, धर्म लोगों का शैक्षिक विषय नहीं है, ये बताने का और सिखाने का आपका कोई हक भी नहीं है, लोग त्यौहार कैसे मनाएं, क्यों मनाएं और किसकी पूजा करें। सुशील गुप्ता कह रहे हैं कि जब सब लोग सकारात्मक होकर दीपावली जैसे महान पर्व पर सुख समृद्धि और शांति के लिए माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हों, और माता सीता तो माता लक्ष्मी जी का ही अवतार है। इसके साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि कथा कथित हिंदू धर्म के ठेकेदार जो हैं, ये भाजपा के नेता, हरियाणा के मंत्री, दीपावली जैसे पावन पर्व पर भी लोगों में संदेह पैदा करके माता लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, राम के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ये आरोप लगाए हैं सभी सुशील गुप्ता जी ने। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों में शंका पैदा करके किसी भी हद तक जाने की जो गुस्ताखी है, जो गलती है, ये भारी पड़ सकती है। सुशील गुप्ता ने आगे ये भी कहा है कि भगवान राम के आदर्शों को तो पूरी दुनिया भर में बोलबाला है, पूरी दुनिया मानती है, और आपने तो अपने स्वास्थ्य मंत्रालय को पंगु बनाते हुए हरियाणा की जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है। असली राम की अवहेलना तो आप लोग कर रहे हैं। राम के नाम पर वोट मांगने वाले आज आस्था पर सवाल उठा रहे हैं, और अगर यही सवाल कोई दूसरा उठाता तो उसको हिंदू विरोधी करार देते थे। सुशील गुप्ता ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं उनकी बात हुई या नहीं हुई, कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता इसे लेकर बेहद गुस्से में है, और मेरी आपसे अपील है कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के अपमान के लिए तुरंत आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि प्रभु राम आपको सद्बुद्धि दें। वहीं चित्रा सरावरा हैं आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष, उनके पिताजी चुनाव हारे थे विधानसभा का अनिल विज जी से, निर्मल सिंह जी। तो चित्रा सरावरा ने भी कई संगीन आरोप लगाए हैं और बहुत अनिल विज की जी को बहुत नसीहत दी है। तो ये हुई बात सियासी खबर हरियाणा सरकार की, जिसके अंदर गब्बर ने लक्ष्मी जी की पूजा करने को लेकर के ऐतराज़ जता दिया। वैसे गब्बर हैं गब्बर ही, किसी के बारे में कुछ भी कह दें, अब पता नहीं माता लक्ष्मी उनसे नाराज़ होती हैं या उनसे प्रसन्न नहीं रहती हैं। अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर ये है कि दीपेंद्र हुड्डा ने एम्स के शिलान्यास को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सुनिए क्या कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। ये हमने पहले ही कहा था कि मौजूदा सरकार की मनीठी एम्स को लेकर नियत हमें पिछले 9 साल से हम कहते आए हैं कि ठीक नहीं है। पिछली बार चुनाव, लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले कैबिनेट का फैसला करवाया गया और 9 साल हो गए केंद्र सरकार को, तो और घोषणा को 9 साल हो गए बिल्कुल चुनाव से पहले उसका फाउंडेशन रख रहे हैं। तो यानी कि चुनाव के अंदर इसका लाभ लेने का एक नियत दिखाई दे रही है प्रदेश सरकार। मैं बाकी किसी की नियत को इसको कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता इसे, लेकिन प्रदेश सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार की नियत मनेठी की एम्स को लेकर सही नहीं थी ना। तो ये तो एक दिन में जमीन का स्थानांतरण होना चाहिए था, किसी अफसर को जिम्मेदारी, स्पेशल टास्क बना के जिम्मेदारी देते, एक दिन में नहीं होता, एक हफ्ते में हो जाता। लेकिन ये 9.5 साल क्यों लगे, इनका कार्यकाल क्यों पूरा हो गया, कार्यकाल के अंत में दी जा रही जो है जमीन
केंद्र सरकार से जब भी हम पूछते थे, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री से मैंने स्वयं सवाल पूछा संसद के अंदर, हमेशा जवाब देता था ये हरियाणा सरकार का लचर रवैया दिखाई दे रहा है और जमीन अभी तक मिली नहीं। तो पूर्णतः एम्स मनेठी में जो देरी हो रही है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, 10 साल तक आपने जमीन ही नहीं दी केंद्र सरकार, तो प्रदेश की सरकार है खट्टर दुष्यंत सरकार है, इस सरकार की जो है नीयत मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस सरकार की नीयत इस एम्स मनेठी को लेकर ठीक नहीं थी। केवल इससे राजनीतिक फायदा कैसे किसी और को ना मिल जाए उनकी अलग अलग उनकी कैलकुलेशन रही होंगी, क्या था वो मैं समझता हूँ भाजपा की अंदरूनी राजनीति को लेकर आप समझ सकते हैं, लोग समझ रहे हैं, लेकिन इससे नुकसान पूरे प्रदेश के लोगों का हुआ। अच्छा सर, आपसे सर चुनाव चुनाव आपने कहा बीजेपी सरकार अहंकारी सरकार, वो तो कह रहे काफी विकास हमने किया हर तरह से समाजवाद वो तो वो कह रहे हैं ना, आप तो वो चलाओ जो हम कह रहे हैं। वही राजस्थान में जेजेपी के विधानसभा चुनाव लड़ने पर दीपेंद्र हुड्डा और अभय चौटाला के तंज पर दुष्यंत चौटाला ने करार जवाब दिया है, ये भी सुनिए कि दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं। सीकर की रैली की चाबी का निशान होगा मुख्यमंत्री किसान होगा, वो चाबी राजस्थान विधानसभा का ताला। सर इस तरह की बातें की गई कि हरियाणा छोड़ के राजस्थान की तरफ बीजेपी, चौधरी देवीलाल जी कभी हरियाणा राजस्थान में भेदभाव रखते थे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो खुद 2 बार वहाँ से विधायक बने, और जिन लोगों की ये सोच है ये कहते हैं कि वहाँ छोड़ के चले गए वो शायद खुद एक नया कदम रखने से डरते हैं। हमारे लिए तो शुरुआत है, 4 साल में पार्टी संगठन को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की गाइडलाइंस में 5 साल में हम इस मुकाम पर ले आए, और राजस्थान के अंदर भी पहला चुनाव पार्टी लड़ रही है, और पहले चुनाव में मैं मानता हूँ कि हमारे अच्छी मात्रा में विधायक चुनकर आए। तो अब चलिए बात करते हैं आपसे देश की सियासत की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है 17 नवंबर को, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। भाजपा जहां सत्ता में कायम रहने का दावा कर रही है तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि वो सत्ता में वापसी करेगी। इस बीच शिवराज सिंह चौहान का एक इंटरव्यू जो है उसमें उन्होंने सवालों पर खुलकर अपने पक्ष रखे हैं और कह रहे हैं कि हम स्पष्ट बहुमत से जीत रहे हैं लेकिन संख्या नहीं बताई। साथ साथ शिवराज जी ने यह भी कह दिया कि प्रचंड बहुमत मिलेगा। जब शिवराज चौहान से मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोई अंतर कलह नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सबका एक ही लक्ष्य है, हम सब एकजुट हैं, नतीजे अच्छे आएंगे और सीएम फेस बनने का काम तो पार्टी आला कमान का है कि वो किसको जिम्मेदारी देंगे मुख्यमंत्री बनने की। वहीं आज मध्य प्रदेश के बैतूल में जनसभा के दौरान पीएम मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। मोदी साहब ने तंज कसे कांग्रेस पर कही और कहा कि वही कांग्रेसी हैं जिनको लगता था कि राम मंदिर नहीं बनेगा लेकिन अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण पूरा होने की तरफ है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी साहब ने कहा कि हमने अपनी सरकार के खजाने गरीबों के लिए खोले हुए हैं और कांग्रेस का पंजा गरीबों को जनता को लूटना जानता है। आदिवासी गौरव दिवस पर भाजपा ने 24,000 करोड़ रुपए की बड़ी योजना शुरू कर रही थी। हमें मध्य प्रदेश से यही रिपोर्ट मिल रही है कि कांग्रेस ने हार मान ली है, ये सब कुछ कहा मोदी साहब ने। तो अब एक खबर कुछ हटकर, आज बाल दिवस है। हर साल देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये बच्चे कल का भविष्य है इसलिए इनके चेहरे पर मुस्कान लाना हम सबका फर्ज बनता है। आज आपको दुनिया में तबाही का मंजर दिखाने वाले गाजा की तस्वीरें दिखाते हैं जहां एक जोकर बच्चों को हंसाने का काम कर रहा है। वो खुद तो अपना सब कुछ इस जंग में गंवा चुका है लेकिन मासूमों के चेहरे पर अपनी अदाकारी से हंसी ला रहा है और दर्द और गम के मंजर को भुलाने की कोशिश कर रहा है। इस जोकर का नाम है अलमागदाद। ये आज सभी को हंसा रहा है। जरूरी है कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान कायम रहे क्योंकि अगर बच्चे मुस्कुराएंगे तो देश मुस्कुराएगा, अगर बगिया के फूल मुस्कुराते हैं तो बगिया मुस्कुराती है, और अगर बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा तो मान लीजिए देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। तो इसी खबर के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त, दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ उन मुद्दों और खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें, शुभ रात्रि।